दो व्यक्ति इस समाज के इतिहास में पैदा हुए, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एक इरोड वेंकट रामासामी पेरियार। पेरियार असल में उसके नाम का शब्द नहीं है, ये तो बाद में जोड़ा गया। पेरियार का मतलब होता है पवित्र आत्मा, पर ताज्जुब की बात यह है वो आत्मा को मानता ही नहीं था। जिसके नाम में पवित्र आत्मा शब्द जोड़ा गया वो आत्मा को मानता ही नहीं। तो ये जो इरोड वेंकट रामासामी है, एक व्यक्ति ये, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दोनों को इकट्ठा समझने का प्रयास करते हैं, कभी नहीं समझ सकते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सुधारवादी नेता थे जिन्होंने समाज में सुधार को उत्पन्न करने का प्रयास किया और सच्चा पुरुषार्थ, सच्चा परिश्रम किया। कुछ पॉलिटिकल प्रोज एंड कॉन्स रहे होंगे उनके, कुछ पॉलिटिकल कमियां और कुछ अतिरिक्त विलक्षणताएं उनमें रही होंगी, उन पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन उनका जो परिश्रम था, उनका जो कार्य था, वो एक सुधारवादी कार्य था जो इस समाज को सुरक्षित रखने के निमित्त था। डॉक्टर अंबेडकर एक धार्मिक व्यक्ति थे। जब उन्हें कतिपय कारणों से एक समाज विशेष से थोड़ी चिढ़ हुई, तो भी उन्होंने एक भारतीय दर्शन परंपरा को ही स्वीकार किया, उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। बौद्ध धर्म भारतीय परंपरा का ही हिस्सा है। जब वो धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, इसे सीधा पता चलता है कि वो व्यक्ति धार्मिक है। लेकिन रामासामी पेरियार कहता है कि धर्म अफीम है, धर्म समाज को दूषित करता है। इस व्यक्ति ने जो विग्रह फैलाया है, आज उस विग्रह पर चर्चा करें। दो शब्द हमारे यहां खूब प्रचलित हैं, राजनीति में बैठे बड़े बड़े विद्वान इनकी गलत व्याख्या करते हैं, बिल्कुल गलत व्याख्या करते हैं, क्योंकि सिद्धांत पढ़े नहीं है। स्थिति यह बन गई है कि लिखे ना पढ़े और तीर मारे बड़े, पढ़ाई लिखाई की नहीं है, शास्त्र कभी देखा नहीं, जो समझ में आया वो बोलते हैं। और इसे समझने का प्रयास करते हैं, जो आपके बीच में सिद्धांत देने का प्रयास कर रहा हूं। यह सिद्धांत है वर्ण और जाति। हमारे देश में वर्ण व्यवस्था को खूब प्रचुर तरीके से फैलाया जाता है, बदनाम किया जाता है, गंदी गालियां दी जाती हैं, और वैसा ही जाति के साथ भी किया जाता है। क्या जाति और वर्ण दोनों इतने निंदनीय हैं? क्या जाति और वर्ण दोनों एक हैं? या फिर ऐसा है कि जाति वर्ण से उत्पन्न हुई है? या फिर ऐसा है कि जाति और वर्ण का आपस में कोई संबंध नहीं? आखिर वास्तविकता क्या है? अब समस्या यह है, समस्या ये है कि इस देश के बड़े से बड़े नेता मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि ये देश 5000 साल पुराना है। मुझे तो दुख होता है जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मंच पर खड़े होकर कि 5000 साल पुराना देश है। जब देश के नेता, मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री मंचों पर खड़े होकर कहते हैं कि यह देश 5000 साल पुराना है, तो मुझे उनकी बुद्धि पर दया आती है कि जब पंडित जी के पास बैठकर यज्ञ करते हैं, पंडित जी हाथ में जल देते हैं और उनसे संकल्प पढ़वाते हैं, तो क्या संकल्प करवाते हैं? क्या करवाते हैं? पंडित जी कहते हैं ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीयो प्रहरार्धे वैवस्वते मन्मंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको बृंदः षण्णवति कोटयो अष्टौ लक्षाणि त्रिपञ्चाशत् सहस्राणि चतुर्विंशत्यधिक शत संवत्सरे दक्षिणायणे या उत्तरायणे अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक नक्षत्रे अमुक दिवसे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत अमुक प्रांतस्य अमुक जनपदस्य अमुक ग्रामे अद्य अहम अमुक गोत्रो उत्पन्नः देव यज्ञः क्रियते। इसमें गिनती पढ़वाते पंडित जी। क्या गिनती पढ़वाते हैं? कहते सृष्टि के आदि काल से लेकर जब सृष्टि उत्पन्न हुई, तब से इस देश के सनातन धर्मियों ने यज्ञ की परंपरा को प्रारंभ किया और तब से लेकर आज तक वो एक एक दिन की गिनती को पिछले दिन के गिनती में जोड़ते चले आए। इसलिए उन्हें पता है कि यज्ञ करते हुए उन्हें कितने साल हो गए। गिनती आती है एको वृंदः एक अरब षण्णवति कोटयो 96 करोड़ अष्टौ लक्षाणी 8 लाख त्रिपंचाशत सहस्राणी 53,000 चतुर्विंशत्याधिक शत संवत्सरे 124 साल और उससे अधिक ये ऋतु, ये महीना, ये पक्ष, ये दिवस, ये समय सायंकाल या प्रातःकाल यहां बैठकर मैं यज्ञ करता हूं। कितने साल पुराने बताए यज्ञ? 1 अरब 96 करोड़
मोटा मोटी 2 अरब। कितने साल पुराना देश है बोलो, कितने? ऐसे मत बैठो जैसे मैं एलियन हूं और मेरी भाषा तुम्हें समझ में नहीं आती। मुंडी हिलाओ, रेस्पोंड करो, जवाब दो, मुझे पता चले मैं जिंदे लोगों के बीच में बैठा हूं। हैं? बोलो जी, कितना पुराना देश है? 2 अरब साल। कितने बाल को बोलो, कितने साल पुराना देश है? 2 अरब साल पुराना देश है। और इस 2 अरब को अपने पल्ले गांठ लगाओ। मैं जब छोटा था ना, मैंने किताब में पढ़ा मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता 2500 साल पुरानी। मैं बड़ा हुआ तो इन्होंने काल बदल दिया, कहने लगे ना 2500 साल नहीं, 4000 साल पुराने भी चिन्ह मिले। मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो कहने लगे ना ना बदल गया हूं, कुछ और चिन्ह मिले हैं, ये 5500 साल पुरानी। अभी राखी गढ़ी की सभ्यता मिली ना, राखी गढ़ी की सभ्यता खूब अखबारों में आई। तो अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि 8500 साल पुराना मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता। अरे तुम्हारे पुरातत्वविद बता रहे हैं, तुम्हारा इतिहास बता रहा है कि 8500 साल पुरानी मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता है, और तुम कहते हो देश 5000 साल पुराना। देश 5000 साल पुराना नहीं है बंधु, देश 2 अरब साल पुराना। दुख तो तब हुआ, सबसे अधिक दुख तो तब हुआ जब हमारे यहाँ चल रही इस परंपरा में, मंदिरों का निर्माण करने की परंपरा में, जब मंदिर बनाए जाते हैं तो उन मंदिरों पर निमंत्रण पत्र छापे जाते हैं और निमंत्रण पत्रों पर यह संकल्प पाठ छपता था। ये पहली बार हुआ जब भगवान श्री राम का मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है उस मंदिर में संकल्प पाठ नहीं छापा गया। अपने परंपराएं बर्बाद कर दी। आपको ये भुगतना पड़ेगा, आप अपनी परंपरा खराब कर रहे हो, आपको भुगतना पड़ेगा। ये इतनी अद्भुत परंपरा है, दुनिया की किसी भी कोर्ट में कचहरी में एविडेंस एक्ट होता है और उस एविडेंस एक्ट में नियमित लिखी गई डायरी प्रमाण मानी जाती है। किसी ने नियमित लिखा है, किसी डायरी को प्रतिदिन लिखता था तो उस डायरी को प्रमाण माना जाता है। लेकिन यह संकल्प पाठ की डायरी दोनों समय लिखी जाने वाली डायरी है और यह आज का नहीं 2 अरब साल का प्रमाण है। संसार में इसे कोई झुठला नहीं सकता, इसे कोई झुठला नहीं सकता। ये देश 2 अरब साल पुराना है, बोलो आज के बाद कितना मानोगे? 2 अरब साल। और तुम्हारे क्षेत्र में आकर कोई नेताजी कहे 5000 साल पुराना है तो कंठ पकड़ो, चुप रहे भैया, नहीं जानता तो ना बोल, मूर्खता मत फैला। तेरी राखी गढ़ी की सभ्यता भी 8500 साल पुरानी है, काहे 5000 साल का ढिंढोरा पीट रहा है? देश 2 अरब साल पुराना है। कितने साल पुराना है? अब इस 2 अरब साल पुराने देश की संस्कृति का नाम क्या है बताओ? 2 अरब साल। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास संस्कृति है कि नहीं है? यूं बोलो, है ना, हमारे पास संस्कृति है। क्या संस्कृति है हमारी? क्या नाम है हमारी संस्कृति का? हमारी संस्कृति का नाम है वर्णाश्रम संस्कृति। संस्कृति का नाम क्या है? वर्णाश्रम संस्कृति। इस वर्णाश्रम संस्कृति में 4 वर्ण होते हैं। आश्रम तो आज नहीं बता पाऊंगा, कोशिश करूंगा कि वर्ण पूरा बता पाऊं। 4 वर्ण होते हैं और ये 4 वर्ण कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र होता है कि नहीं होता? अच्छा वर्ण 4 होते हैं कि 3 होते हैं? सोचो कितने होते हैं? 4 ही सुने हैं। अच्छा देखते हैं 4 हैं क्या? आओ देखते हैं 4 हैं क्या? ब्राह्मण किसे कहते हैं? अपने अपनी जानकारी के आधार पर सोचो, ब्राह्मण किसे कहते हैं? सामान्य रूप से हम ये मानते हैं जो पढ़ने पढ़ाने का काम करता है उसका नाम ब्राह्मण, यही मानते हैं ना हम लोग। दूसरा क्षत्रिय, क्षत्रिय किसे मानते हैं? जो लड़ने लड़ाने का काम करे उसका नाम क्या है? क्षत्रिय। और वैश्य, जो धन की व्यवस्था देखे उसका नाम वैश्य, और जो सेवा का कार्य देखे उसका नाम शूद्र। सामान्य रूप से हम ऐसा वर्ण का विभाजन स्वीकार करते हैं, ये सब हम लोग मानते हैं, सारे समाज में माना जाता है। लेकिन सुनो ध्यान से, ब्राह्मण किसे कहते हैं? पहले इस बात को समझ लो तो चारों वर्ण समझ में आ जाते हैं। ब्राह्मण किसे कहते हैं? क्या किसी को भी ब्राह्मण कह देंगे? एक आदमी इतिहास पढ़ाता है उसे ब्राह्मण कहोगे? एक आदमी टेन थीटा कॉस थीटा पढ़ाता है उसे ब्राह्मण कहोगे?
एक व्यक्ति बेंजीन साइकिल पढ़ाता है, क्लोरो बेंजीन क्या है, नाइट्रो बेंजीन क्या है, एक आदमी अल्कोहल कैसे एल्डिहाइड में बदलता है और एल्डिहाइड कैसे कीटोन में बदलता है, ये केमिस्ट्री पढ़ाता है, क्या वो ब्राह्मण हो सकता है? विचार करो, सोचो। पदार्थ विज्ञान तो जानता है, बहुत भले से जान रहा है पदार्थ विज्ञान को, गणित तो जानता है, बहुत अच्छे से गणित को जान रहा है, लेकिन क्या इसे ब्राह्मण कहेंगे? और सुनो ध्यान से, ब्राह्मण किसे कहते हैं? चार चीजें याद रखो। पहला, वेद का शब्द। पहला क्या कहा मैंने? वेद का शब्द। दूसरा, इस शब्द का अर्थ। तीसरा, शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध। चौथा, इस संबंध से उत्पन्न व्यवहार को जो यथावत जानता है उसे क्या कहते हैं? बोलो, ब्राह्मण कहते हैं। ये जन्मना नहीं कर्मणा होता था, जिसमें ये योग्यता है वो ब्राह्मण है। क्या योग्यता है? वेद का शब्द, उसका अर्थ, शब्द और अर्थ के परस्पर संबंध, उस संबंध से उत्पन्न व्यवहार को जो यथावत रूप में जानता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ब्राह्मण कहते हैं। समझ में आई बात? अब क्षत्रिय, क्षत्रिय किसे कहते हैं? तो क्षत्रिय किसे कहते हैं? फिर वहीं से शुरू करो। वेद का शब्द, उसका अर्थ, शब्द और अर्थ के परस्पर संबंध और उसके यथावत व्यवहार की जो रक्षा करता है और इसे जानने वाले की जो रक्षा करता है और उसके शास्त्रों की जो रक्षा करता है उसे क्या कहते हैं? क्षत्रिय। खामखां लड़ते फिरने वाले का नाम क्षत्रिय। यूं तलवार उठाई, कहीं भी जाके बंदूक उठाई, धूम 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 करके लोगों को मार दिया, इसे क्षत्रिय नहीं कहते। क्षत्रिय का मतलब होता है कि वो वेद के शब्द, अर्थ, संबंध, व्यवहार, इनकी रक्षा करे, इस व्यवहार को पढ़ने और पढ़ाने हारे ब्राह्मण की रक्षा करे, उस ब्राह्मण के शास्त्र की रक्षा करे, उसका नाम क्या है? क्षत्रिय। अब तीसरे पर आ जाओ, वैश्य। वैश्य किसे कहते हैं? वहीं से शुरू होगा। जो वेद के शब्द, उसके अर्थ, शब्द और अर्थ के परस्पर संबंध और उसके यथावत व्यवहार की रक्षा करे, उसे पढ़ने वाले पढ़ाने वाले ब्राह्मण की रक्षा करे, उसके शास्त्र की रक्षा करे, इसकी रक्षा करने वाले क्षत्रिय का भरण पोषण करे, क्षत्रिय के शस्त्रागार अस्त्रागार का भरण पोषण करे, इसके ऊपर आश्रित लोगों का भरण पोषण करे, उसे कहते हैं वैश्य। उसका नाम क्या है? वैश्य। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एक सच्चा ब्राह्मण देखते हैं तब उससे ब्राह्मण शब्द समझ में आएगा। सच्चा ब्राह्मण किसे कहते हैं? सच्चा ब्राह्मण जो वेद को, अभी अभी मैंने बताया, जो यथावत जानता हूं, ऐसा ब्राह्मण कौन? वेद पर भाष्य लिखे हैं कुछ विद्वानों ने, इनके नाम है महीधर, रावण। रावण ये वो वाला नहीं है, राम जी वाला, ये अभी पैदा हुआ 4-5 हजार साल पहले का रावण है। महीधर, रावण, सायण, उवट, इसके अलावा भी बहुत सारे, ये चार प्रमुख रूप से मैंने आपको बता दिए, चार लोग हैं जिन्होंने वेद पर भाष्य किया है, वेद को ट्रांसलेट किया है, वेद को समझाया है। अब इनमें जो सबसे विद्वान माना जाता है, जिसका भाष्य सबसे ज्यादा स्वीकार किया जाता है पूरी दुनिया में और देश की सारी यूनिवर्सिटीज में जिसका भाष्य पढ़ाया जाता है, उसका नाम है आचार्य सायण। आचार्य सायण संस्कृत के उद्भट विद्वान है, यह मैं स्वीकार करता हूं। आचार्य सायण वेद का अर्थ कैसे करते हैं, इसे समझने का प्रयास करो। वेद में एक उक्ति आती है, वेद का एक पद है, वेद कहता है अष्टपद गौह आलंभनीया। इसका अर्थ करते हुए कहता है आचार्य सायण, अष्टापदी, आठ पैरों वाली गौ, गाय को आलंभनीया काटकर यज्ञ में डालना चाहिए, और आठ पैरों वाली गाय को काटकर टुकड़े टुकड़े करके यज्ञ में डालने वाला यजमान सीधा स्वर्ग को जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तर दो, तुमने आठ पैरों वाली गाय देखी है दुनिया में? बोलो, देखिए। अगर मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये कौन सी आठ पैरों वाली गाय की बात कर रहा है तो तुम अपनी जीभ काट लोगे अपने दांतों तले। ये गर्भवती गाय की बात कर रहा है, चार पैर इस गाय के और चार इसके पेट में पलने वाले शिशु के, कितने हो गए? ऐसी गर्भिणी गाय की काटकर टुकड़े टुकड़े करके हत्या करने पर, उसे यज्ञ में डालने पर यजमान सीधा स्वर्ग को जाता है। ईमानदारी से संवेद स्वर में उत्तर दो मुझे, पुण्य है कि पाप है? बोलो जी, पाप है कि महापाप है? ये ब्राह्मण है क्या?
बोले ब्राह्मण है क्या? बिल्कुल ब्राह्मण नहीं। इसी वेद आज्ञा का अर्थ इस देश में उत्पन्न हुए एक ऐसे ब्राह्मण ने किया, जिस ब्राह्मण ने उस काल में जन्म लिया जब ये काल अपनी आजादी की उम्मीदें छोड़ चुका था। 1857 की क्रांति के बाद, जब 1857 की क्रांति को दबा दिया गया तो रानी विक्टोरिया ने विद्रोह को दबाने के लिए एक पत्र लिखा। ध्यान से सुनना मेरी ये बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। रानी, ये शब्द भी सुनना जो मैं इसमें बोलूं। रानी विक्टोरिया ने एक पत्र लिखा और रानी विक्टोरिया ने उस पत्र में कहा कि जैसे मेरे लिए ब्रिटेन की प्रजा है वैसे ही मेरे लिए भारतवर्ष की प्रजा है। मैं भारतवर्ष की प्रजा को उसी तरह प्रेम करती हूं जैसे ब्रिटेन की प्रजा करती हूं। मैं भारत की प्रजा की माता पिता हूं, भारत की प्रजा मेरी संतान है और मैं अपनी संतान का अहित करने वाले को छोड़ूंगी नहीं। माता पिता बताया रानी विक्टोरिया ने उस पत्र में भारत की प्रजा का स्वयं को, और भारत के लोग इतने भोले हैं कि उसके इस पत्र को देखकर उन्होंने सरेंडर कर दिया, उन्होंने मान लिया। अगर जैसे पहले राजा होते थे वो भी माता पिता होते थे, वैसी माता पिता रानी विक्टोरिया है और उन्होंने आजाद होने की उम्मीदें, आकांक्षाएं, इच्छाएं, प्रयास, पुरुषार्थ सब छोड़ दिया। दादा भाई नौरोजी का नाम सुना है? सुना है? दादा भाई नौरोजी के भाषण उपलब्ध हैं। वो कहते हैं जैसा सोने का काल अंग्रेजों के राज में आया है ऐसा काल तो आज तक आया ही नहीं। एक गीत सुना तुमने, वंदे मातरम सुना? सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम सुहासनीम सुमधुर भाषणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। ये गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र ने। बंकिम चंद्र ने गीत लिखने के 7 साल बाद 1857 की क्रांति को लक्ष्य करके एक उपन्यास लिखा। उस उपन्यास का नाम है आनंद मठ, और उन्होंने वंदे मातरम गीत को 7 साल बाद लिखे गए इस आनंद मठ में डाल दिया। बाद में यह क्रांतिकारियों का ये गीत बन गया, उनके कंठ का संवेद स्वर बन गया, लोगों ने इसे बहुत गाया, फांसी पर चढ़ गए इसे गाते गाते। आनंद मठ उपन्यास में मुसलमानों के साथ जो भारतीयों का झगड़ा है वो स्पष्ट तौर पर वर्णित है, और उसी झगड़े के अंत में जब आनंद मठ समाप्त होता है, खरीद कर पढ़ना जिन्होंने नहीं पढ़ा है, बंगला का नॉवेल है, हिंदी में खूब ट्रांसलेटेड बिकता है, इसके आखिरी पन्ने पर पढ़ना, इसके नायक के माध्यम से बंकिम चंद्र कहते हैं कि अब बहुत हुआ, युद्ध रोक दिया जाए, अब हमें अंग्रेजों की गुलामी की जरूरत है। हा शोक हा दुर्भाग्य कि गुलामी हमारी जरूरत हो गई। क्या संसार में गुलामी किसी की भी जरूरत हो सकती है? बोलो, क्या एक तोता पिंजरे में रहना चाहता है? क्या एक शेर सर्कस में रहना चाहता है? संसार में कोई गुलाम रहना चाहता है? तुम्हें यहां बिठाए रखो चाहे 4 दिन अपनी मर्जी से बैठे रहोगे, लेकिन अगर तुम पर यह प्रतिबंध कर दिया जाए कि तुम्हें 10 मिनट यहीं बैठना है, हिलना नहीं है, तो यह गुलामी तुमसे सहन नहीं होगी, सहन नहीं कर पाओगे, मौत दिखाई देगी वो 10 मिनट बैठना। गुलामी बहुत बुरी चीज होती है। यत यत परवशम दुख, जो जो दूसरे के हाथ में है, जहां जहां गुलामी है वहां वहां दुख है, और जो जो अपने हाथ में है, जहां जहां स्वतंत्रता है वहां वहां सुख है। आज ही तो आचार्य सोमदेव जी दोपहर में कह रहे थे कि जब हनुमान जी माता भगवती जानकी के पास पहुंचे तो उन्होंने माना भगवती जानकी से पूछा कि मैया आप सुख से तो हो, तो मैया भगवती जानकी कहती हैं पराधीन सपने हूं सुख नाही। बेटा जो पराधीन होता है उसे तो सपने भी दुख के आते हैं, सुख के सपने भी नहीं आते, लेकिन यहां गुलामी को क्या मान लिया गया? अपना भाग्य मान लिया गया। ऐसा अंधकार का काल जब हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था, ऐसा अविद्या का काल जब यह देश जीने की उम्मीद छोड़ चुका था, जब यह देश आजादी की उम्मीद छोड़ चुका था, चारों ओर भयंकर अंधकार व्याप्त था, ऐसी अमावस के रोशनी की एक किरण दिखाई नहीं देती थी, ऐसे काल में एक सूर्य ने जन्म लिया, एक आदित्य ने जन्म लिया, एक ऐसे आदित्य ने जन्म लिया जिसकी रश्मियों ने सारे देश को जगमग जगमग रोशन कर दिया, और इस आदित्य का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। पत्र याद करो रानी विक्टोरिया का, क्या कहती है कि भारत की प्रजा की मैं क्या हूं? माता पिता हूं, और भारत की प्रजा मेरी क्या है? संतान है। मैं अपनी संतान का अहित होने नहीं दे सकती। अब ऋषि दयानंद के शब्द पढ़ो उनके ग्रंथों में,
यह ऋषि दयानंद है जिसने उस अंधकार और गुलामी के काल में उठकर साफ साफ घोषणा कर दी कहा विदेशियों का राज चाहे माता पिता के समान सुख देने वाला भी क्यों ना हो तब भी वो भूखे नंगे स्वदेशी राज का मुकाबला नहीं कर सकता। यह ऋषि दयानंद है जिन स्वामी विवेकानंद जी को मैं सम्मान करता हूं स्वामी विवेकानंद जी की वक्तृताओं का अपमान नहीं कर रहा हूं कोई यहां मन में भेद न पाल ले लेकिन स्वामी विवेकानंद जी जहां अमेरिका में जाकर अपने भारतीय महिलाओं के संबंध में कहते हैं कि भारतीय महिलाओं को देखकर मुझे हीनता महसूस होती है वहीं ऋषि दयानंद सरस्वती घोषणा करते हैं यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता और मां भगवती सीता अपाला अनुसुईया गार्गी और न जाने कितनी कन्याओं का उदाहरण देकर कहते हैं कि भारत में जो दशा स्त्रियों की रही वो संसार में कहीं नहीं रही। प्रखरता के साथ संसार के सारे अत्याचार के सामने खड़े होने वाला अगर एक पहाड़ ढूंढा जाए तो वो पहाड़ स्वामी दयानंद सरस्वती के अलावा कोई नहीं। एक व्यक्ति हुए इस देश की आजादी की लड़ाई में शरीक हुए आपने नाम सुना अरविंद घोष सुने श्री अरविंद के नाम से जाने जाते हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष ने कहा था यदि महापुरुषों को पत्थर मान लिया जाए और उन पत्थरों को चिनकर एक पहाड़ बनाया जाए तो उस पहाड़ की चोटी पर जो पत्थर विद्यमान होगा उसका नाम ऋषि दयानंद सरस्वती होगा। इस देश के पहले लोकसभा स्पीकर क्या नाम था श्यामजी अयंगर। श्यामजी अयंगर ने लोकसभा पहले लोकसभा स्पीकर ने कहा था कि तुमने गांधी जी को राष्ट्रपिता कह तो दिया अगर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहोगे तब तो दयानंद को तुम्हें पर 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 पितामह कहना पड़ेगा तब दयानंद को क्या कहोगे। लाला लाजपत राय अगर जिंदा रहते ना अरे कौन नेहरू किसी का नंबर नहीं आने वाला था प्रधान प्रधानमंत्री बनने का इतना लोकप्रिय नेता उसके काल में था ही नहीं जितना लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय से किसी ने पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है तो उसने कहा था मुझे देखने की दृष्टि देने वाला सत्य असत्य का निर्णय कराने वाला स्वामी दयानंद सरस्वती मेरा गुरु है दूसरा कोई नहीं। बंधुओं ऋषि दयानंद सरस्वती उस काल में पैदा हुआ जब ये देश अपने जीने की उम्मीद छोड़ चुका था और ऋषि दयानंद ने अष्टापदी गहु आलम्बनिया का क्या अर्थ किया। ऋषि दयानंद ने भाष्य करने की उस प्रणाली को पुनर्जीवित किया जो प्रणाली ऋषि यास्क ने संसार को सिखाई थी उस ऋषि यास्क की प्रणाली को पुनर्जीवित किया ऋषि दयानंद सरस्वती ने। ऋषि दयानंद सरस्वती ने वेद का भाष्य करने की प्रणाली का पुनरुद्धार किया उन्होंने वेद का भाष्य करना शुरू किया और उन्होंने कहा जब मैं चार वेद का भाष्य करूंगा और यह भाष्य पूरा होगा तो सारे संसार में सूर्य सा प्रकाश फैल जाएगा। ऋषि दयानंद ने वेद का भाष्य करना शुरू किया यजुर्वेद का पूरा भाष्य कर दिया लेकिन वेद का भाष्य वो पूरा नहीं कर सके ऋग्वेद के उत्तरार्ध तक आते आते ऋषि दयानंद सरस्वती की हम लोगों ने हत्या कर दी। मुसलमान नहीं कर पाए ईसाई नहीं कर पाए हमने मिलकर दयानंद की हत्या की मुसलमानों और ईसाइयों के साथ था। और आश्चर्य देखो जिस आदमी ने अपने जीवन का बूंद बूंद इस देश के लिए दिया आज ये देश उस ऋषि दयानंद सरस्वती को कुछ नहीं मानता। लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त और 26 जनवरी उनका नाम पुकारते हैं जो गोमांस भक्षक थे उनका नाम नहीं लिया जाता जिसने इस देश में 80% क्रांतिकारियों को जन्म दिया जिसने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जन्म दिया चंद्रशेखर आजाद को जन्म दिया भगत सिंह को जन्म दिया भगत सिंह के दादा बाप और चाचा को जन्म दिया जिसने इस देश में क्रांतिकारियों की बाढ़ उत्पन्न की उसका नाम नहीं लिया जाता लोगों को लज्जा लगती है धिक्कार है डूब मरना चाहिए। हम पर उपकार करने वाले उपकर्ता का याद नहीं रख सकते। ऋषि दयानंद सरस्वती ने जब वेद का भाष्य किया तो वेद का भाष्य करते हुए उन्होंने अष्टापदी गौहु आलम बनिया का अर्थ किया और अष्टापदी गौहु आलम बनिया का अर्थ ऋषि करते हुए कहते हैं कि गौ शब्द का अर्थ होता है वाणी। गौ शब्द का अर्थ क्या होता है अरे गौ का अर्थ वाणी होता है इसने पशु ले लिया अष्टापदी गौहु आलम बनिया 8 आभूषणों से युक्त वाणी को बोलने पर व्यक्ति के जीवन में सुख बढ़ता है। कितने आभूषण होते हैं वाणी के 8 आभूषण होते हैं उनमें नहीं जाऊंगा वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा लेकिन संस्कृत 8 प्रकार के आभूषण बताती है कि वाणी के 8 आभूषण होते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि जिसके साथ बात कर रहे हो उसके साथ बात कैसे कर रही है। पिता के साथ बात करने में नौकर के साथ बात करने में अंतर होता है राजा के साथ बात करने में चपरासी के साथ बात करने में अंतर होता है
पशु के साथ व्यवहार करने में, मनुष्य के साथ व्यवहार करने में अंतर होता है। इसलिए तू वाणी के व्यवहार को सीख। और कहा, जो इन आठ आभूषणों से युक्त वाणी को बोलता है उसके जीवन में स्वर्ग अर्थात सुख आ जाता है। क्या आ जाता है? सुख आ जाता है। ऋषि दयानंद सरस्वती वो सच्चा ब्राह्मण था जो वेद के शब्द, उसके अर्थ, शब्द और अर्थ के परस्पर संबंध और उसके यथावत व्यवहार को, उसके व्यवहार को यथावत जानता था। वो सच्चा ब्राह्मण था ऋषि दयानंद सरस्वती। ऋषि दयानंद सरस्वती की एक ही भाषा थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत। संस्कृत में बोलना, खाना पीना, नहाना धोना, सोना जागना सब संस्कृत में। वो संस्कृत के अलावा भाषा ही नहीं जानता था और संस्कृत में ही प्रचार करते थे। संस्कृत में प्रचार करते करते ऋषि दयानंद जब बंगाल गए तो बंगाल में उस समय एक आंदोलन चला जिस आंदोलन का नाम था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के उस समय के अधिष्ठाता का नाम था केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने ऋषि दयानंद सरस्वती से मिलकर कहा कि महाराज दो चीजें मुझे ठीक नहीं लग रही। बोले क्या? बोले एक तो आप अपनी काया देखो, जब मनुष्यों के बीच में चलकर आते हो तो यूं लगता है कि ये किसी और लोक से आया इतना लंबा चौड़ा आदमी। आपको रात्रि में कोई देख ले तो डर जाए, इतने लंबे चौड़े हो कि लोग आपको भूत प्रेत समझ लेते हैं। और शरीर की कैसी स्थिति है तुम्हारी? एक तो लंबे चौड़े तकड़े बलिष्ठ हो, ऊपर से शरीर पर एक लंगोट बांधते हो, कपड़े नहीं पहनते और पूरे शरीर पर राख रमाते हो। कल स्त्रियां बात करती हुई जा रही थी कि मैं तो डर गई कि भूत आ रहा है, तो लोग डर जाते हैं आपको देखकर। और आपके नग्न स्वरूप को देखकर स्त्रियां नहीं आने पाती हैं आपके पास और देश की आधी आबादी आपके सिद्धांतों से वंचित रह जाती है। इसलिए आप वस्त्र धारण करो। ऋषि दयानंद का नियम जानते हो क्या है? आर्य समाज का चौथा नियम बोलो क्या है? सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। और इसे सबसे पहले ऋषि दयानंद ने स्थापित करके दिखाया। तनिक सोचा, बात सही थी, बुला ला कपड़े। अपने कुल की परंपरा को एक क्षण में छोड़ दिया। ऋषि दयानंद सरस्वती दशनामा सन्यासी जो होते हैं, गिरिपुरी आश्रम सरस्वती आदि जो होते हैं, इनमें सरस्वती संप्रदाय के थे। जो दंडी संप्रदाय होता है ये शरीर पर के एक कोपिन बांधते हैं। कोपिन समझते हो क्या होता है? कोपिन है, लंगोट नहीं होता, लंगोट में भी कपड़ा ज्यादा होता है। कोपीन में तो बस एक 4 इंच की पट्टी होती है, उसी पट्टी को लपेटने का एक तरीका होता है, वो बांधी जाती है। आदमी साइड से भी नंगा ही रहता है, केवल एक कोपिन। सर्दी गर्मी बरसात, जनवरी में सुबह 4 बजे जब यमुना पर नहाने जाते तो नंगे ही जाते थे उसी कोपिन में। एक बार एक अंग्रेज ने कहा विदा कि महाराज आपको ठंड नहीं लगती? बोले उसे ऊपर से नीचे से देखकर बोले कि इतने इतने कपड़े तूने पहन रखे हैं, तेरा चेहरा खुला है, तुझे चेहरे पर ठंड नहीं लगती? बोले अभ्यास हो गया। तो कहा मुझे भी हो गया, अरे मैं सारा नंगा ही रहता हूँ, मुझे अभ्यास हो गया भैया, मुझे ठंड नहीं लगती। दूसरे अनेक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो शरीर को गर्म रखने की होती हैं, तुझे पता नहीं, तुझे मलेच्छ को क्या बताऊं। ऋषि दयानंद सरस्वती को कहा कि आप इतने बड़े अवधूत ऐसे देखते हो, लोग डर जाते हैं, कपड़े धारण करो। तुरंत वस्त्र धारण कर लिए, कटी वस्त्र बांधा, उत्तरीय ओढ़ लिया। दूसरा उन्होंने कहा कि आप जिस संस्कृत में बोलते हो उस संस्कृत को सामान्य जनमानस नहीं जानता, इसलिए आपको ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए जो भाषा अधिक से अधिक समाज जानता है। पूछा वो कौन सी भाषा है? कहा वो हिंदी है। हिंदी इस भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन हिंदी भी अपने वास्तविक स्वरूप में उस समय नहीं थी। हिंदी भी टूटी फूटी अड़गड़बड़ी सी थी, यूं ही थी, बनी बनाई सी, ठीक ठाक नहीं थी। तब ऋषि दयानंद सरस्वती ने निश्चय किया कि मैं अपने सिद्धांतों को हिंदी में लिखूंगा। और हिंदी दयानंद, हिंदी को दयानंद जानते नहीं थे। सिद्धांत किसमें लिखने का निश्चय किया? हिंदी में। और हिंदी को वो जानते हैं तो कैसे लिखे? सीखना शुरू किया, लेकिन इतनी जल्दी तो आ नहीं जाएगी, सीखने में कुछ तो समय लगेगा। तो एक वेतन भोगी कर्मचारी को रख लिया। इन वेतन भोगी कर्मचारी का नाम था पंडित भीमसेन। क्या नाम था भाई? पंडित भीमसेन को वेतन देकर हिंदी लेखन के कार्य पर रख लिया। अब देखो पंडित भीमसेन कितने विद्वान थे। इधर ऋषि दयानंद संस्कृत बोलते जाते और उधर पंडित भीमसेन उस संस्कृत की हिंदी लिखते चले जाते थे। अच्छा बताओ विद्वान था कि नहीं था? हाँ ना, बोलो था कि नहीं था? लेकिन वो ब्राह्मण की सेवा कर रहा था। क्या कर रहा था? ब्राह्मण की सेवा कर रहा था। और सेवा करने वाले को क्या कहते हैं? शूद्र कहते हैं। तो वो दयानंद का क्या था? शूद्र था। कितना विद्वान था, संस्कृत को कैसे जानता था, लेकिन दयानंद का क्या था? शूद्र था। अब तुम अपनी तुलना में बताओ, तुम्हारी तुलना में पंडित भीमसेन विद्वत्ता में छोटा के बड़ा? बोलो, अरे बहुत बड़ा।
तुम तो उसके पांव की धूल के बराबर संस्कृत नहीं जानते जितनी वो जानता था। इसका मतलब यह है शूद्र होना कोई बुरी बात नहीं थी, शूद्र होना कोई बुरी बात नहीं थी। एक विद्वान भी शूद्र हो सकता है जब वो किसी कार्य विशेष के लिए सेवा कार्य हेतु चयन किया जाए, चुना जाए, तो उसे शूद्र कहते हैं। समझ में आई बात? अब दूसरा वर्ण कौन सा बोलो? क्षत्रिय। ब्राह्मण का शूद्र समझ में आ गया, अब दूसरा वर्ण कौन सा? क्षत्रिय। अब क्षत्रिय का शूद्र समझो, क्षत्रिय वो जो लड़ने का काम करता है, किसके निमित्त? वेद और वेद की रक्षा के निमित्त या लड़ने का काम करता है। अब इसे भी सेवा की जरूरत पड़ेगी, सेवा की जरूरत पड़ेगी, तो इसे सेवा कार्यों के लिए शूद्र कौन मिलेगा? अच्छा ये बताओ, जो इसका शूद्र होगा क्षत्रिय का, वो क्षत्रिय का शूद्र ब्राह्मण के शूद्र की तरह संस्कृत के पद छेद जानता होगा या वो बंदूक गोले हथियार के बारे में जानेगा? बोलो किसके बारे में जानेगा? वो तो गोला हथियार बंदूक तलवार तमंचे इनके बारे में जानेगा ना। वो जानता है 312 की गोली कौन सी बंदूक में पड़ती है, 315 की गोली कौन सी बंदूक में चलती है, 32 बोर का पिस्टल कैसे काम करता है, रिवॉल्वर कैसे काम करता है और माउजर कैसे काम करता है, AK-47 कैसी गन है, M-16 कैसी है, M-18 कैसी है, राफेल कैसे चलता है, और इनके रख रखाव की जिम्मेदारी इसी व्यक्ति की है जो इस क्षत्रिय की सेवा कर रहा है। ये इस चीज का पारंगत विद्वान है, पारंगत विद्वान होने के बावजूद भी यह क्षत्रिय की सेवा कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? बोलो बोलो क्या कहलाएगा? शूद्र कहलाएगा। दो वर्ण हो गए, पहला वर्ण बोलो कौन सा बता दिया? ब्राह्मण और उसका शूद्र बता दिया मैंने, दूसरा क्षत्रिय और उसका शूद्र, तीसरा, तीसरे का काम है कि समाज के वेदानुकूल रक्षा करना, वैश्य। अब इस वैश्य को भी एक शूद्र की जरूरत है, तो वैश्य का शूद्र कैसा होगा? बोलो संस्कृत में निष्णात होगा या तमंचे जलाने जानेगा या फिर वो अकाउंट देखना जानेगा। क्या जानेगा? वो जानेगा धन कैसे आया कैसे गया, डेबिट कैसे होता है, क्रेडिट कैसे होता है, वो इसे अच्छे से जानेगा। इस बात को वो वस्तुतः जानेगा कि ये बात कैसी है। और बंधुओं, जो इस शूद्रता को अच्छे से जानता है वो इसकी सेवा करता है वैश्य की। ये कौन सा वर्ण बता दिया मैंने आपको? तीसरा। पहला बोलो, मुंह से बोलो, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य। चौथा वर्ण कहां है? बोलो चौथा वर्ण कहां है? है तो कहां है? इन्हीं में है। कहां है चौथा वर्ण? इन्हीं में है। वो ब्राह्मण के साथ है, वो क्षत्रिय के साथ है और वो वैश्य के साथ है। और ध्यान से सुनो, ये बताओ ब्राह्मण के शूद्र में ब्राह्मण हो जाने की सारी योग्यता विद्यमान है कि नहीं? हाँ ना बोलो, मुंडी हिलाओ, है कि नहीं? क्षत्रिय के शूद्र में क्षत्रिय हो जाने की सारी संभावना है कि नहीं? वैश्य के शूद्र में वैश्य हो जाने की सारी संभावना है कि नहीं? है ना, समझ में आ रही है बात? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैश्य का शूद्र ब्राह्मण नहीं हो सकता, वैश्य का शूद्र क्षत्रिय नहीं हो सकता। हो सकता है, लेकिन उसकी ज्यादा संभावना क्या बन जाने की है? सरलता किसके लिए है? वैश्य बन जाने के लिए। इसे एक उदाहरण से समझो, एक लड़का डॉक्टर का है और एक लड़का इंजीनियर का है। डॉक्टर का लड़का जो है वो डॉक्टर बन जाना चाहता है और इंजीनियर का लड़का भी डॉक्टर बन जाना चाहता है। ये बताओ डॉक्टर बनने में किसे ज्यादा सहूलियत होगी? अरे हाँ ना बोल पड़ो, डॉक्टर के लड़के को क्यों होगी ज्यादा सहूलियत? क्योंकि वो डॉक्टर के घर में पैदा हुआ है, उसे पता है कि डॉक्टरी का एग्जाम कहाँ होता है, कैसे तैयारी होती है, नीट बढ़िया है, AFMC बढ़िया है कि एम्स बढ़िया है, किसकी तैयारी करूं, उसकी तैयारी कैसे होगी, उसमें जाया कैसे जाएगा, निकलने के बाद नर्सिंग होम कैसे संभाला जाएगा, वो सारी चीजें जानता है। और ये सब चीजें जानने के कारण उसे डॉक्टर बनने में सरलता होगी। इसी तरह वैश्य के शूद्र को वैश्य बनने में सरलता होगी, क्षत्रिय बनने में थोड़ी कठिनाई होगी और ब्राह्मण ने बनने में कुछ ज्यादा कठिनाई होगी। लेकिन इसका मतलब नहीं कि ब्राह्मण बन नहीं सकता, बन सकता है, बन सकता है। अब सुनो, शूद्र कौन होता है? ये तो उठकर ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय हो गया, अब शूद्र कौन होगा? यही ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जब गिरता है तो क्या बन जाता है? ब्राह्मण गिरेगा तो क्षत्रिय बन सकता है, वैश्य बन सकता है या फिर शूद्र बन सकता है। उदाहरण देख लो, राजा विश्वामित्र। कौन थे राजा विश्वामित्र? राजा, राजा क्या होता है वर्ण में बोलो? अरे वर्ण में बोलो, क्षत्रिय होता है। लेकिन राजा विश्वामित्र बाद में विद्या अध्ययन करके ऋषित्व को प्राप्त हुए, इसका मतलब क्या बन गए? क्षत्रिय से उठकर क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए। लेकिन ताज्जुब की बात सुनो, राजा विश्वामित्र के पुत्र शूद्र बन गए।
राजा विश्वामित्र के पुत्र क्या बन गए थे? शूद्र बन गए थे। ये उदाहरण उठने और गिरने के दोनों तरह के हैं। एक वेश्या का पुत्र सत्यकाम आचार्य के पास जाकर पहुंचा और आचार्य से बोलता है कि मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मेरी माँ मेरा गोत्र नहीं बता पाती, इसलिए मुझे कोई गुरुकुल प्रवेश नहीं दे रहा है। आचार्य ने कहा तेरी माँ का नाम क्या है? उसने कहा मेरी माँ का नाम जबाला है। क्यों नहीं गोत्र बता पाती? उसने कहा माँ कहती है कि युवावस्था में मैंने बहुत लोगों की सेवा की, इसलिए मैं नहीं जानती कि तेरा गोत्र क्या है। तो आचार्य ने कहा कि तेरी माँ का नाम जबाला है, आज से तुझे जबाल गोत्र से जाना जाएगा, आज से तेरा नाम सत्यकाम जबाल है। और उपनिषदों में सत्यकाम जबाल ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए, ऋषित्व को प्राप्त हुए। चांडाल कुल में पैदा हुए जैमिनी ऋषित्व को प्राप्त हुए। अपराधी के घर में पैदा हुए एलूश ऋषि बने। ये इतने उदाहरण दे सकता हूं आपको कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। रावण किसके घर में पैदा हुआ था? बोलो, ब्राह्मण के घर में। किसके घर में पैदा हुआ? लेकिन जब आचरण से गिरा तो क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र भी नहीं बचा। लोगों ने क्या कहकर पुकारा? राक्षस। क्या कहकर पुकारा? राक्षस, क्योंकि आचरण से गिर गया। गिरना और उठना ये वर्ण व्यवस्था का स्वभाव है, ये वर्ण व्यवस्था होती है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।